हेलो गाइस, मैं हूँ अमित और आज हम एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ होने वाले सबसे इफेक्टिव, अच्छे और सेफ्टी पर्पस के हिसाब से किसी को भी हानि न पहुँचाने वाले इंसेक्टिसाइड के बारे में जानेंगे। जी हाँ, हम आज बात करेंगे नोवल इंसेक्टिसाइड के बारे में। आजकल के लेटेस्ट दौर पर नोवल इंसेक्टिसाइड हिंदी में बोले तो आदर्श कीटनाशक बहुत तेज़ी से मार्केट में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 40-50 सालों की बात करें तो कीटनाशक दवाइयों ने हमारे एनवायरनमेंट और हेल्थ को काफ़ी डैमेज किया है और कई किसानों ने जान तक गंवाई है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नोबल इंसेक्टिसाइड का आविष्कार हुआ है। इन इंसेक्टिसाइड की रिसर्च केमिकल्स को दवाइयों से ख़त्म करने के ऊपर बेस्ड है और पूरी तरह ग्रीन केमिस्ट्री को मार्केट में लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। पर अभी जो शुरुआती दौर में चल रहे नोबल इंसेक्टिसाइड में काफ़ी मात्रा में केमिकल का यूज़ हो रहा है, तो अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखकर ही इन्हें यूज़ करें और प्रॉपर ग्लव्स मास्क का को ध्यान में रखते हुए ही इसे यूज करें। अब बात करते हैं कुछ नोबल इंसेक्टिसाइड के बारे में जो मार्केट में अवेलेबल हैं। इमिडाक्लोप्राइड एक नोबल इंसेक्टिसाइड का एग्जाम्पल है और ये बहुत ही लेटेस्ट इंसेक्टिसाइड है जो मार्केट में काफ़ी बिक रहा है। यह कॉन्टैक्ट और स्टमक पॉइजन है। कॉन्टैक्ट पॉइजन का मतलब जब हम दवाई का छिड़काव करते हैं किसी प्लांट पर, तो जो दवाई है जिस जहाँ पर उस प्लांट पर गिरी होती है, वहाँ पर अगर कोई इंसेक्ट उसे खाने की या सक करने की कोशिश करता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। वैसे ही स्टमक पॉइजन में अगर कोई इंसेक्ट वहाँ पर कुछ खाने की कोशिश करता है तो वो दवाई उसके पेट में जाएगी, जाकर उसकी जो पॉइजन है वो पूरे शरीर में फैल जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। कुछ दूसरे नोवल इंसेक्टिसाइड की बात करें तो थायाक्लोप्रिड और एसीटामिप्रिड एक सिस्टमेटिक पॉइजन है। मतलब जब जब हम दवाई का छिड़काव किसी प्लांट पे करेंगे तो वो दवाई प्लांट प्लांट के लीफ और बॉडी के थ्रू उस पूरे प्लांट के सिस्टम में फैल जाएगी, और जब भी इंसेक्ट उस प्लांट 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 पे बाइट करेगा या उसे सक करने की कोशिश करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। इसी अब आप देख रहे होंगे कि मार्केट में बहुत से इंसेक्टिसाइड का काम एक जैसे होता है, पर उनके नाम अलग अलग होते हैं और उनके ग्रुप भी अलग अलग होते हैं। ऐसा ऐसे ही होता है क्योंकि उनकी स्पेसिफिकेशन अलग अलग होती हैं। जैसे अभी हमने थायोक्लोप्रिड और एसीटामिप्रिड का एग्जांपल लिया, तो थायोक्लोप्रिड जो जो सिस्टमेटिक पॉइजन है, तो वो उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि वो हमारे हनी भी, जिन्हें हम मधुमक्खी भी कहते हैं, तो उन्हें नहीं मारते हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसी तरह मार्केट में बहुत सारे इंसेक्टिसाइड अवेलेबल होते हैं, तो आप जब दवाई खरीदने जाओ तो उन्हें समझाए कि किस तरह का नुकसान आपके फसल और प्लांट में हो रहा है। हो सके तो फोटो या वीडियो टेक्नोलॉजी के थ्रू आप उन्हें सिम्टम दिखाएं। जो भी इफेक्टिव दवाई होगी वो आपको दे देंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें।